नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी ताकत झोंक रही है। सीएम योगी से लेकर दोनों डिप्टी सीएम प्रचार में कूद पड़े हैं। जहां आज भी धुआंधार प्रचार होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद, फिरोजाबाद और आगरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम लखनऊ में भी जनसभा करेंगे। सीएम दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जहाँ सीएम योगी करीब सुबह 11:20 पर मथुरा के सेठ बीएन पोदार इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:20 पर फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 2:50 पर आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज में उनकी जनसभा होगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हरदोई के मल्लावा, उन्नाव के बांगरमऊ और गंगा घाट तथा लखनऊ के इटौजा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें, निकाय चुनाव को कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां एकदम से तैयारियों में जुट गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी, तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आगरा से हमारे संवाददाता जुशान हमसे जुड़ चुके हैं। आगरा, किस तरह से सीएम योगी के कार्यक्रम होंगे आगरा में जुशान, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होगा? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव नजदीक है और नगर निकाय चुनाव की अगर बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशी दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरा दमखम लगा दिया है। आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों में जनसभा संबोधित का कार्यक्रम है। पहले वो मथुरा आएंगे, उसके बाद फिरोजाबाद, फिर उसके बाद आगरा का कार्यक्रम है, जहां पर आगरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर आगरा के 100 वार्डों के पार्षद भी उपस्थित रहेंगे। वहीं बात करें हम महापौर की, जो आगरा महापौर है हेमलता दिवाकर, वो भी मौजूद रहेंगी। अगर बात करें जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। वही जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने की जनता से अपील भी करेंगे। अगर हम तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर 2 दिन पहले से पुलिस प्रशासन के जरिए और आगरा प्रशासन के जरिए यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं, व्यापक तैयारियां हो चुकी है। हालांकि आगरा जो आने का समय है, लगभग 2:50 पर वो आगरा GIC ग्राउंड पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जी जुशान, सीएम योगी के साथ और कौन लोग मौजूद रहेंगे और कितनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में 2:50 पर आएंगे और आगरा में GIC ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सभी पार्षद और महापौर उपस्थित रहेंगे। अगर जनप्रतिनिधियों की बात करें तो आगरा में 9 विधायक हैं, सभी जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी जुशान, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार सीएम योगी तमाम जिलों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो इसका चुनाव में कितना फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन रहता है, चुनाव से पहले ही इनकी तैयारियां साफ तौर से देखी जा सकती हैं, और जब चुनाव करीब आता है तो इनके जो बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हों या प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, सभी लोग प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। हालांकि आगरा में अगर नगर निकाय चुनाव की बात करें तो पिछले 6 बार से नगर निगम सदन में भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार अगर हम बात करें आगरा की नगर निकाय चुनाव की, तो इस बार BSP के प्रत्याशी की जोरदार टक्कर रहने वाली है। जी तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है जिशान, किसमें टक्कर देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सूबे के मुख्यमंत्री का आगरा में पहले भी चुनावों को लेकर दौरे रहे हैं और आज भी नगर निकाय चुनाव को लेकर दौरा है। वहीं भाजपा प्रत्याशी जो हेमलता दिवाकर हैं, वो आगरा ग्रामीण से विधायक भी रह चुकी हैं, अब उनको महापौर का प्रत्याशी बनाया है। वहीं आपको बता दें कि जो नगर निगम सदन है वहां पर BJP का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार अगर बात करें, अगर मुस्लिम वोटरों की बात करें, तो मुस्लिम पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार जो चौधरी बशीर थे,
निर्दलीय खड़े हुए थे और उन्होंने 35,000 वोट लाए थे, जिससे कि मुस्लिम वोट पूरा पूरी तरीके से बढ़ गया था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जाटव समाज का भी वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार की अगर बात करें, इस बार जो बीएसपी की प्रत्याशी हैं लता वाल्मीकि, तो साफ तौर से कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज का ऐसा लगता है कि एक तरफ वोट जा सकता है। और अगर जाटव समाज की बात करें तो जाटव समाज का तो बैड वोट बैंक है बीएसपी, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी को चुनौती रह सकती है, क्योंकि कांटे की टक्कर रहेगी। जी जी धन्यवाद जसवंत तमाम जानकारियों के लिए। बता दें निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी से लेकर दोनों डिप्टी सीएम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जहां आज भी धुआंधार प्रचार होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टी सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, मैदान में उतरे हुए हैं। इसके बाद सीएम लखनऊ में भी जनसभा करेंगे और सीएम दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं, जहां सीएम योगी करीब सुबह 11:20 पर मथुरा के सेठ बीएन इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 1:20 पर फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें दोपहर 2:50 पर आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज में उनकी जनसभा होगी। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक हरदोई के मल्लावा, उन्नाव के बांगरमऊ और गंगाघाट तथा लखनऊ के इटौजा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं चुनाव को देखते हुए। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, लेकिन बसपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति छोटे राजनीतिक दलों जैसी हो गई है। इस बार पार्टी को सभी वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिले, ऐसे में खफा हुई बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई पदाधिकारियों को इधर से उधर किया है। कानपुर में पार्टी ने कुल 110 वार्डों में से सिर्फ 70 वार्डों में ही पार्षद प्रत्याशी उतारे जाने का दावा किया है, जहां बसपा को कानपुर में उम्मीदवार नहीं मिला। सभी सीटों पर उम्मीदवार बसपा उम्मीदवार खपा चल रहे हैं। पार्टी प्रमुख ने मुख्य जोन इंचार्ज मुनकाद अली को हटा दिया है और अब नए सिरे से जिम्मेदारी मिली है। बता दें कानपुर में बसपा को सभी सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। वहीं एक्शन में मायावती नजर आई है, जिसके बाद मुख्य जोन के इंचार्ज को हटा दिया गया है। वहीं नए जोन को ये नई जिम्मेदारी दी गई है। बता दें नए मुख्य जोन इंचार्ज चुनाव का नेतृत्व करेंगे। निकाय चुनाव को देखते हुए सभी दल मैदान में हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो बसपा को कानपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर बसपा की तैयारी कैसी है ये अभी देखना बाकी होगा। बता दें बसपा के नए मुख्य जोन इंचार्ज को जिम्मेदारी दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर बसपा एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें मुख्य जोन इंचार्ज चुनाव का नेतृत्व करेंगे। बता दें सभी सीटों पर उम्मीदवार बसपा उम्मीदवार खफा चल रहे हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, कानपुर में बसपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बसपा प्रत्याशी हैं काफी समय तक संवेदनशील मामलों में थे, और जिस जो चीजें सामने आ रही थी कि बसपा पार्टी से इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, इमरान मसूद की उस पर चर्चा हो रही थी, तो अब जो है प्रत्याशी जो ढूंढने से है मसूद परिवार से, खदीजा मसूद को मैदान में उतारा गया है बसपा से। और हालांकि देख रहे हैं कि सहारनपुर में बसपा और भाजपा की टक्कर रहने वाली है जोड़ीदार, क्योंकि भाजपा से डॉक्टर अजय सिंह और बसपा से खदीजा मसूद सहारनपुर मैदान में है। गौरव, नए मुख्य जोन इंचार्ज चुनाव का नेतृत्व करेंगे, पुराने को मायावती ने हटा दिया है। देखिए, इसी प्रकार के भी कोई बसपा से सूची जारी नहीं की गई है। जिस तरीके से सूची जारी की गई कि उसके आधार पर बताया जाएगा कि किसको बसपा चुनाव में उतारेगी। तो किसकी टक्कर मानी जाए गौरव?
सहारनपुर से मैं बता तो रहा हूँ, भाजपा से डॉक्टर अजय सिंह और बसपा के खतीजा मसूद, जो जो पहले से ही मसूद परिवार से नाता है उनका और काफी समय से मसूद परिवार राजनीतिक पार्टियों गलियारों में रहा है, उनकी टक्कर सहारनपुर में देखने को मिलेगी। तो ये बसपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि उन्हें अब प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए, कितना ये उनके लिए कठिन होगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी विशाल जनसभा सहारनपुर में हुई थी, जिसको लेकर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में जनसंपर्क के लिए लखनऊ से सहारनपुर आए थे, और जहां तक इस बार चुनाव चल रहा है वो चुनाव केवल राम राज्य का है और जनता राम राज्य की ओर जा रही है, जिसको लेकर बसपा और अन्य पार्टी को भी तलाशने पर भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। चलो हो गया, पता निकाय चुनाव को लेकर बसपा ने तैयारी शुरू कर दी है, वहीं अब जो बसपा के साथ समस्या पैदा हो रही है कि उन्हें सभी सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, वहीं एक्शन में मायावती ने मुख्य जोन इंचार्ज को हटा दिया है, नए मुख्य जोन को जिम्मेदारी दी गई है। निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको लेकर सभी पार्टी तैयारियों में जुटी हुई हैं। सभी पार्टियों ने पूरे तरीके से ताकत झोंक दी है, वहीं बसपा की तैयारी कैसी है इस पर अभी देखना बाकी होगा। कानपुर में बसपा को सभी सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, वहीं एक्शन में मायावती ने आकर मुख्य जोन इंचार्ज को हटा दिया है। निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं। बता दें कि निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है, वहीं दूसरे चरण का चुनाव 11 मई को होना है और 13 को रिजल्ट आना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं। वहीं बता दें कि भाजपा सपा बसपा कांग्रेस सभी तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं बसपा की बात करें तो बसपा को सभी सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मायावती के लिए ये चुनौती भरा हो सकता है। बता दें सभी सीटों पर उम्मीदवार बसपा उम्मीदवार खफा चल रहे हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं मायावती को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं बता दें बसपा ने नए मुख्य जोन समीउद्दीन राइन पर मुनकाद अली की जगह निकाय चुनाव में मुख्य जोन इंचार्ज का नेतृत्व सौंपा है। बता दें कि निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां पूरे तरीके से तैयारियों में जुटी हुई हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, मायावती को कानपुर में सभी सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, क्या इसकी वजह देखी जाए? बता दें सभी सीटों पर उम्मीदवार बसपा उम्मीदवार खफा चल रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मायावती को भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण उन्हें कानपुर से सभी सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। बता दें चुनावी रण में सभी दल सभी पार्टियां मैदान में उतरी हुई हैं और पूरे तरीके से सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है।
बता दें कानपुर में पार्टी ने कुल 110 वार्डों में से सिर्फ 70 वार्डों में ही पार्षद प्रत्याशी उतारे जाने का दावा किया है, जहां बसपा को कानपुर में उम्मीदवार नहीं मिला है। सभी सीटों पर उम्मीदवार बसपा उम्मीदवार खफा चल रहे हैं। पार्टी प्रमुख ने मुख्य जोन इंचार्ज मुनकाद अली को हटा दिया है और अब नए सिरे से समसुद्दीन को जिम्मेदारी दी गई है। बता दें निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको लेकर सभी पार्टी सभी दल मैदान में उतरे हुए हैं और सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बता दें एक्शन में मायावती ने सभी मुख्य जोन के इंचार्ज को हटा दिया है और नए सिरे से मुख्य जोन का नेतृत्व दिया गया है। बता दें सभी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, निकाय चुनाव को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, लेकिन बसपा को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। बता दें निकाय चुनाव में कुछ ही वक्त रह गया है, सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। बता दें निकाय चुनाव को लेकर बसपा की तैयारी कैसे है, और इस खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन बसपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, क्या वजह इसकी देखी जाए? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से एक समय था, ऐसा था कि बसपा को लोग जगह जगह पे बहुत पूछा करते थे, अब पूछने के साथ में जिस तरीके से इस वर्तमान में बीजेपी के लिए लोगों की होड़ लगी हुई है, उसी तरीके से बसपा के लिए भी होड़ लगी रहती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति कानपुर में भी ऐसी देखने को मिल रही है। लगभग कानपुर में 102 वार्ड है और 102 वार्ड 110 वार्ड है, माफ कीजिएगा, 110 वार्डो में 70 प्रत्याशी लगभग उम्मीदवार हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 40 सीटें खाली हो रही थी तो बसपा के लिए बहुत बड़ा सोचने के लिए विषय होगा कि आखिरकार कानपुर ही नहीं, प्रदेश में बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पे बसपा की ऐसी कंडीशन है कि बसपा को वहां पे खड़े करने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि जिस हिसाब से भीम आर्मी का एक स्कोप बढ़ा है, स्कोप के साथ में जिस हिसाब से चंद्रशेखर लगातार अखिलेश यादव और अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, बैठक करने के साथ लगातार जो भी इनका कोर बसपा का कोर वोटर था उनको अपनी तरफ ले लिया है, अपने अपनी तरफ लेने के साथ में जिस हिसाब से जो बसपा के कोर वोटर थे वो कहीं ना कहीं जो भीम आर्मी में कन्वर्ट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बसपा बिल्कुल इस तरीके से धरातल से खत्म हो चुकी है। क्योंकि लगातार कानपुर में भी स्थिति ऐसी देखने को मिल रही है कि जब चुनाव प्रचार के लिए जो कैंडिडेट निकल रहे हैं उनके साथ अमूमन पहले देखा जाता था कि हजारों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब अमूमन देखा जा रहा है कि 10 से 5 लोग लगभग भीड़ों में निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का स्तर गिरा है तो बसपा का स्तर गिरा है तो बसपा को इस चीज के लिए रणनीति बनानी होगी भविष्य के लिए, क्योंकि आगे 2024 में लोकसभा के चुनाव भी है। दो लोकसभा चुनाव में अगर बसपा की यही कंडीशन रही तो कहीं ना कहीं बीजेपी बसपा खत्म होने की कंडीशन पे आ जाएगी, और बसपा अगर खत्म होती है तो चंद्रशेखर जो कि भीम आर्मी के चीफ है उनके लिए एक बड़ी जीत होगी, और जो भी इनका कोर वोटर है भीम आर्मी ने अपने अंदर कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन जो कानपुर में जितने भी आला इनके नेता थे सभी से बैठक की गई थी, बैठक करने के बाद जो वर्तमान के जो इनके बड़े नेता पदाधिकारी थे उनको हटा के सुप्रीमो मायावती ने नए किसी नेता को कैंडिडेट बनाया है, और साथ ही कैंडिडेट बनाने के बाद कानपुर से जो मेयर प्रत्याशी हैं अर्चना निषाद जो कि लगातार चुनाव प्रचार में भी लगी हुई हैं, जब कल हमने उनसे बात करने का प्रयास किया था तो बात में उन्होंने जग जाहिर भी किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके लोग उनसे रूठे हुए हैं, लेकिन कानपुर में जो बसपा का देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल जो धरातल पे जो चीजें थी नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि एक समय था जब सुबह की इनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी मायावती जो कि जब मुख्यमंत्री बने थे मुख्यमंत्री के टाइम पे ऐसा था कि लगातार उसके बाद से इनके ऊपर आरोप लगते हैं। मायावती को प्रत्याशी ना मिलना आगामी चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है मायावती के लिए? ये जी बिल्कुल, मैं भी बता दूं कि जिस हिसाब से सन 2024 के चुनाव आने वाले हैं और अन्य पार्टियों ने अपनी पूरी तरीके से कमर कस ली है, लेकिन बसपा जिस तरीके से शांत बैठी हुई है तो कहीं ना कहीं लगता है कि बसपा भी अपने आप को लेकर निराश हो चुकी है। क्योंकि जिस हिसाब से पहले बसपा तैयारी करती थी, क्योंकि जो इनके बड़े भी जितने भी नेता थे वो जमीनों पर उतर जाते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि बसपा के जो भी बड़े अधिकारी हैं
जो भी बड़े नेता हैं वो जमीन पर उतरे हों। हालांकि कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में भी ऐसा कोई भी इनका बड़ा नेता नहीं आया है कि जो चुनाव प्रचार करे, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जब कोई प्रत्याशी होता था, प्रत्याशी का केंद्रीय कार्यालय खुल जाता था तो प्रदेश लेवल के बड़े नेता आते थे। लेकिन वर्तमान में कानपुर की स्थिति ऐसी है कि कानपुर में सिर्फ और सिर्फ तीन पार्टियों के अलावा कांग्रेस, सपा और भाजपा के अलावा बसपा कहीं भी नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कानपुर के अलावा जैसे टक्कर मानी जाए, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कानपुर में अगर बात की जाए तो कानपुर में भाजपा और सपा का कहीं ना कहीं लोगों को रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस भी लगातार उसी खेमे में लाइन में बनी हुई है, लेकिन अगर सही तरीके से बात की जाए तो भाजपा और सपा में एक बड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि अभी कल ही अमिताभ वाजपेयी की पत्नी जो कि नगर विधानसभा से विधायक हैं, उनकी वाइफ को टिकट दिया गया है सपा से, और कल ही भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि अब जो बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी है प्रमिला पांडे, उनके लिए बोला है कि अम्मा को अब बैठने की जरूरत है, अब बहू को काम करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं जो कानपुर की पूर्व मेयर अम्मा कही जाने वाली, जो कि रिवॉल्वर रानी के नाम से भी कानपुर में जानी जाती थी, तो कहीं ना कहीं कानपुर में दो बड़े नेताओं की बड़ी टक्कर होने जा रही है। और देखने वाली बात होगी कि जो आने वाली तारीख होगी, जिसमें जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में किसके लिए कमल का फूल खिलेगा या साइकिल चलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं कानपुर की जो राजनीति है आने वाले समय पर बहुत गर्माने वाली, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का भी एक विरोधाभास आपसी पार्टियों में लगातार बना हुआ है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार कानपुर की जो मेयर पद का प्रत्याशी कौन बनता है, लेकिन जो भी होगा कहीं ना कहीं कानपुर के विकास के लिए सोचे और कानपुर के आगे भविष्य के लिए सोचे। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।